पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को वतन वापसी कर ली है। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। वहीं आज सुबह टीम के खिलाड़ी अमृतसर पहुंचे। अमृतसर एयरपोर्ट पर बेशुमार प्यार बरसाते हुए फूल मालाओं के साथ भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह पालेवाल, हरभजन सिंह ईटीओ और सांसद गुरजीत सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भारत का शानदार प्रदर्शन किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री हरभजन सिंह ने कहा, हमारे हॉकी टीम के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पंजाब सरकार की ओर से हम उनका स्वागत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब में खेलों को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हार्दिक सिंह ने कहा, बहुत बढ़िया लग रहा है, लोगों के इसी प्यार की बदौलत हम इतना अच्छा खेल पाए हैं, आशा है कि अगली बार हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं खिलाड़ी सुखजीत सिंह के पिता अजीत सिंह ने कहा, वे जीत कर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गोल्ड जीता है, बहुत अच्छा लग रहा है, आते ही मेरे बेटे ने अपना मेडल मेरे गले में पहना दिया, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती, पूरी टीम को बधाई, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते रहे, हमारी इच्छा पूरी हो गई है, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हम बहुत खुश हैं। अमृतसर पहुंची हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया और स्पेन के बीच हॉकी का मैच खेला गया था। भारत ने इस मैच को 2-1 से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। हॉकी में ओलंपिक में भारत का ये 13वां मेडल है।